जय हिंद। वेलकम बैक टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। आज एक बार फिर से मैं आर्मी अग्निवीर का 19 अप्रैल 2023 को जो आपका सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है उसका एक कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेके आया हूँ। सो वीडियो के साथ आप बने रहें और जिनका भी अभी अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाला है वो एक बार क्लास को ज़रूर देखें, किस किस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 19 अप्रैल 2023 को आज फिर से तीन शिफ्टों में आर्मी अग्निवीर जीडी का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल का आपका मैथ जो है वो पूछा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आज हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके मैथ के सही होने चाहिए, कितने लेवल के क्वेश्चन आपके आज फिर से एग्ज़ाम में पूछे गए थे। तो उन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एक कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। साथ में एक और चीज़ आप अपने माइंड में सेट कर लें कि एवरेज के चैप्टर को आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि एवरेज हर किसी शिफ्ट में लगभग 2 या 3 क्वेश्चन आपके बार बार देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा पेपर आपका मैथ का जनरली पूछा जा रहा है, कोई भी हार्ड लेवल का आपका पेपर अभी तक कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा नहीं गया। मैंने सबसे ज़्यादा जो अभी तक जो हमारे 17, 18 और 19 तीन शिफ्टों में जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए हैं, मतलब कि टोटल 9 पेपर जो हुए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपका पूछे जाना वाला प्रश्न है, टॉपिक है, वो है आपका एवरेज। तो ध्यान दें, एवरेज का चैप्टर आप बिल्कुल समझ के जाएं, बिल्कुल बेसिक फिनोमिना, बिल्कुल 2 या 3 टाइप जो आपके फर्स्ट जो आपके टाइप रहते हैं बिल्कुल बेसिक वाले, वही आपके बार बार क्वेश्चन में पूछे जा रहे हैं। कैलकुलेशन में थोड़ा सा आप ध्यान दें, स्पीड रखें, साथ में मेरिट की भी बात करेंगे कि कितनी मेरिट आपकी इस एग्जाम में हो जाएगी, कितने क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, किस लेवल का आपका पेपर आया था। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो आपके पास आया था, ये एबीसी की रेशो आपके पास दी थी 3, 4 और 8, और इन सभी का जो सम दिया था वो दिया था 25, 90। तो ए का हिस्सा जो था वो आपको बताना था। आप जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर करें और साथ में जो है वो मैथ के लिए अपने साथ एक कॉपी पेन ज़रूर रखें। इस कैलकुलेशन को आप ध्यान में रखें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके 17 अप्रैल को पूछे गए थे बिल्कुल सेम टू सेम, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का चेंज था, वही क्वेश्चन आपके जो हैं वो 18 तारीख को पूछे गए थे, और 18 को जो क्वेश्चन आए थे वही सेम टू सेम आपके 19 के आज के एग्जाम में जो है वो आपसे पूछे गए थे। तो बार बार क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं। अगर यहाँ से अगर आज आप 19 अप्रैल 2023 का इस ये जो मैंने अभी आपको क्लास में आपके सामने लेके आया हूँ, अगर इन सभी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ये जो भी अपकमिंग आपके एग्ज़ाम है आर्मी के 26 तारीख तक, उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपको यही सेम टू सेम मिलेंगे, सिर्फ वैल्यू का चेंज होगा। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए और साथ साथ में आप सॉल्व करिए। तो एबीसी की वैल्यू दी थी 3, 4 और 8 और टोटल दिया था 25, 90। तो देखिए, ए की वैल्यू है आपके पास 3, बी की है 4 और सी की है 8। आपके अकॉर्डिंग टोटल सम कितना बना, टोटल वैल्यू कितनी बनी, 4, 8, 12 और 3, 15। आपके अकॉर्डिंग वैल्यू बनी 15 और क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी है, 25, 90। तो इस 15 को कंपेयर कर देंगे किसके साथ, 25, 90 के साथ। एक की वैल्यू आपको निकालनी होती है तो ये आ जाएगा 25, 90 डिवाइड बाय 15। 15 से आप इसकी कटिंग करेंगे तो वो पॉइंट में आपका आंसर जा सकता है। अब हमें किसकी वैल्यू पूछिए, ए की वैल्यू पूछिए, तो ए की वैल्यू थी कितनी, 3 थी, तो ए की वैल्यू के लिए 3 से गुणा कर देंगे। बी की पूछी होती तो गुणा 4 करते, सी की पूछी होती तो गुणा 8 करते, तो बस इसको इंटू 3 कर दिया, ये कट जाएगा मेरा 5 से, और 5 से 25, 90 कटेगा कितनी बार, 5 और 18, 95, 518 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो इस लेवल का क्वेश्चन पिछले कल भी हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद ये देखिए, पहला क्वेश्चन आपका औसत का आ चुका है। आप आज काउंट कर लें कि कितने क्वेश्चन आपके औसत के जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। मैं भी आपको साथ साथ में यहाँ पे बताता चलूँगा, जो भी क्वेश्चन आपके एवरेज के आएंगे लगभग 6 से 7 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आज एवरेज के जो हैं वो पूछे गए थे। तो सिंपल वे में आप जो है वो क्वेश्चन को ट्राई करें। देखिए, बोला गया था पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताना है। प्राकृतिक संख्याएं मतलब कि नेचुरल नंबर, तो कौन से होते हैं नेचुरल नंबर, जैसे कि 1 है, उसके बाद आ गया 2,
फिर आ गया तीन, फिर आ गया चार, फिर आ गया पांच। पांच संख्या होगी क्योंकि पहली पांच बोल ली थी। अब इनके वर्ग यानी कि स्क्वेयर, एक का स्क्वेयर, दो का स्क्वेयर, तीन का स्क्वेयर, चार का स्क्वेयर, पांच का स्क्वेयर, इसके लिए डिफरेंट फॉर्मूलों का भी आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन आर्मी जीडी के एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है कि आप उसको इतना लंबा फॉर्मूला याद रखें, फिर उस चीज़ की रिवीजन करें, फिर उसको अप्लाई करें, कहीं ना कहीं गलती होने का चांस है। तो फॉर्मूले का आप जमाना गया, आप अगर बिल्कुल बेसिक मेथड से भी करेंगे, प्लस और माइनस के मेथड से भी करेंगे, तब भी आप क्वेश्चन को हिट कर सकते हैं। देखिए वर्गों का औसत है, अब औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन सभी का सम करना पड़ता है। तो मैं स्क्वेयर ओपन करूंगा और इनको ऐड कर दूंगा। और एवरेज का फॉर्मूला होता है क्या है, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो सम तो मैंने ये कर दिया, अब टोटल नंबर हैं कितने, पांच नंबर है, तो डिवाइड किससे करूंगा, पांच से। कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी आनी चाहिए। अब एक का स्क्वेयर करूंगा तो कितना आएगा, एक, दो का स्क्वेयर किया चार, तीन का स्क्वेयर नौ, चार का स्क्वेयर कितना सोलह, पांच का स्क्वेयर कितना पच्चीस। ऐसा नहीं करना कि ऊपर वाले पांच से ये वाला पांच आपने काट दिया, ये जो है वो आपका मेथड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे डिवाइड बाय फाइव सबको आप ऐड कर दें, ये बन जाएंगे आपके 16 और 4 20, 9 29 और 1 कितने 30, 30 और 25 कितने बन जाएंगे आपके 55, 55 बन गए। 55 को 5 से भाग देना तो राइट आंसर क्या रहेगा, 11। तो 11 क्या हो जाएगी, ये आपके पास एवरेज निकल के आएगी। तो बस इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला साधारण प्रश्न, साधारण ब्याज का क्वेश्चन पिछले कल भी देखने को मिला था, आज भी दो से तीन क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो लगभग आज जो है वो आपके मैथ के 15 से लगभग 15 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, क्योंकि आज का मैथ भी आपका पिछले कल की ही शिफ्ट की तरह बिल्कुल सिंपल पूछा गया था। या फिर मैं बोल सकता हूँ पिछले कल आपके दो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से हार्ड लेवल के आए थे, हार्ड इन द सेंस कि थोड़े से जो है वो कैलकुलेटिव मेथड से आपसे पूछे गए थे। जैसे कि आपका एक टी शर्ट वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि दो टी शर्ट और तीन शर्टों का प्राइस इतना है, तो उसमें एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपको यूज करना था, यानी कि विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि आपको वहां पर यूज करनी थी। तो वो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, लेकिन आज की शिफ्ट का एग्जाम ऐसा था कि जिसमें 15 के 15 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने चाहिए मैथ के। तो आप 17, 18, 19 इन तीनों शिफ्ट का एनालिसिस आप हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं, उसमें क्लासेस आपको मिली हैं। अगर आपका अभी एग्जाम होना है तो उन शिफ्टों को आप ज़रूर देख के जाएं, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको वहां पर देखने को मिलेगी। 7500 रुपये का 2.5% वार्षिक दर से 4 साल का ब्याज आपको बताना था। तो SI का फॉर्मूला आपको पता है, प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल है 7500, रेट दिया गया है 2.5, तो पॉइंट ओपन करूंगा तो नीचे कितना आ जाएगा 10 और 4 साल का ये आ गया। और नीचे तो आपको पता 100 से हम गुणा करते हैं, PRT बाय 100 होता है, 20 से 20 कट जाएंगी, अब 2 से कट जाएगा 2 बार और ये कट जाएगा 5 बार, 5 से कट जाएगा कितनी बार 5 बार, 75 एज इट इज रहेगा, 5 × 10, तो 750 क्या आ जाएगा मेरे पास साधारण ब्याज आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एरिया से भी आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जा रहा है। अभी तक ट्रेन का आज की शिफ्ट में कोई भी क्वेश्चन जो है वो हमें बच्चों ने नहीं बताया कि सर ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, और ना ही हमें जो है वो CI या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन जो है वो अभी तक देखने को मिला है। तो बिल्कुल इजी पेपर जो है वो आपका आ रहा है, घन यानी कि क्यूब, इसका आयतन आपको बताना है, साइड आपके पास दी थी। तो देखिए घन का जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम होता है, उसका फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। साइड का क्यूब होता है, तो आपके पास साइड कितनी की दी गई थी, 2.1 × 2.1। सबको आपने क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था, तो राइट आंसर क्या आना था, 9.261, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो बिल्कुल इजी वे में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। आज की शिफ्ट में रीजनिंग भी आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी उसमें आई थी। तो एक क्वेश्चन जो बच्चों को याद रहा था वो उन्होंने बताया था हमें, और डायरेक्शन का क्वेश्चन जो है वो उन्होंने बताया था, उसके बाद ब्लड रिलेशन जो है वो नहीं उन्होंने बताया। जो भी शिफ्ट के बच्चे हमें मिले थे, हो सकता है कि किसी अनदर शिफ्ट में वो पूछा गया हो, लेकिन जो हमारे साथ बच्चे जुड़े थे जिन्होंने बताया कि सर ये क्वेश्चन आए थे, तो उनकी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं ये पूछा गया था। सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर था, जैसे कि ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको बोला गया था F J फिर N फिर R, यहाँ पर गैप था।
तो एफ से जे जब जाते हैं तो प्लस चार आगे जाते हैं, फिर जे से एन तो फिर से चार, एन से आर फिर से चार, और आर से जब आप फिर से चार आगे जाएंगे तो राइट आंसर क्या जाएगा, वी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, बिल्कुल इजी वे में आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अब जो आपका आर्मी अग्निवीर का एग्जाम है, आप टारगेट लेके चलें कि मेरिट आपकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है, क्योंकि जितना ज़्यादा पेपर आपका क्या होगा, इजी होगा, सिंपल होगा, तो बच्चे उतनी ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। और ये भी हो सकता है कि इस बार 50 में से 50 नंबरों वाले भी बच्चे यहाँ पर ज़्यादातर देखने को मिले, ऐसा भी हो सकता है। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में बच्चे जो हैं वो लगभग 48-49 तक करके आते हैं, ये आप यहाँ पर मान के चलें 48-49 तक करके आते हैं। 45 तो बिल्कुल सही है, उसके दो या तीन के ऊपर उनको डाउट होता है। अगर बाय लक वो क्वेश्चन भी अगर उनके ठीक हो गए तो वो तो फिर 50 के 50 ही क्या करके आएंगे, हिट करके आएंगे। तो ये आप देख लें कि मेरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ा ही सिंपल सा आपका एग्जाम पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन था 2z + k2 = 4, जेड की वैल्यू आपको बतानी थी, 2z एज इट इज रहेगा, ये दो इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, चार में से दो गए दो, तो 2z की वैल्यू आ गई आपके पास, दो, दो से दो कट गया तो z की वैल्यू कितने आ गई, एक। अगली क्वेश्चन, अगली इस वैल्यू से भी आप z की वैल्यू निकाल सकते हो, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दिया था, तो ये आ जाएगा 3z और प्लस, ये एक इस तरफ जाएगा, चार में से एक चला गया तो कितने बचेंगे, सॉरी यहाँ पर मैं फिर से लिख लेता हूँ, 3z एज इट इज है, चार में से एक चला गया तो कितने बचेंगे, तीन, तीन से तीन गया तो z की वैल्यू फिर से कितनी, एक आ जाएगी। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था। अगला आप देख सकते हैं, फिर से एवरेज का क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिला। आप ये ले लें कि दूसरा क्वेश्चन हमारा एवरेज का, पहला हमने सॉल्व कर लिया था, ये दूसरा क्वेश्चन आप काउंट कर लें कि एवरेज कितनी बार आपसे पूछा गया। अब देखिए, टोटल परिवार में 6 सदस्य थे और उनमें से 5 सदस्यों का वजन जो वो दिया गया, तो देखिए करना कैसे है, मैं क्या करूँगा, पहले 5 सदस्यों का जो वो निकाल लूँगा, 5 सदस्यों का कितना कितना वजन है, एक का आ गया 72.8, दूसरे का आ गया 64.6, तीसरे का आ गया 33, फिर आ गया 49 और उसके बाद आ गया 66.6, ये 5 बंदों का वजन आ गया, कितना आएगा सबको आप ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 286। 5 बंदों का कितना आपको मिल गया वजन, कितना आ गया 286। अब देखिए, बोला क्या गया कि टोटल 6 सदस्य, उनमें से 5ों का दिया है, लेकिन सारे सदस्यों का औसत आपको दिया है 50, यानी कि सारे सदस्य कितने, टोटल 6 सदस्य, तो 6 मेंबर का आपके पास क्या दिया है, वजन दिया है, वो कितना दिया है एवरेज में 50। अगर इसका सम निकालना है तो इन सबको क्या करना है, गुणा करना होता है, तो यानी कि ये जो 6 मेंबर हैं इन सभी का सम कितना आएगा, वजन कितना आएगा, 6×5=30, यानी कि 6 सदस्यों का वजन कितना है, 300 किलो, आप ये मान के यहाँ पर चल सकते हैं। अब 5 बंदों का 286 और 6 बंदों का कितना, 300, तो एक बंदे का निकालना है, तो यानी कि इस टोटल में से 6 बंदों में से जब 5 बंदों का कम कर देंगे, 5 बंदों का कम कर देंगे तो वो जो लास्ट वाला बंदा 6वां बंदा उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 14 जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एवरेज के बिल्कुल ही सिंपल टू सिंपल क्वेश्चन आपके बार बार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान दें। एवरेज का दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, काफ़ी ज़्यादा मेरिट जो है वो आपकी हाई यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये है 1/2, कैलकुलेशन में थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि मैं जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था तो पहली बार तो मैंने भी यहाँ पे बिल्कुल एक सिली मिस्टेक कर दी थी, तो वो थोड़ी सी आप यहाँ पे मिस्टेक ना करें, वो आप ध्यान दें, क्योंकि कैलकुलेशन जब आप करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो कई बार आपका माइंड जो है वो काम नहीं करता, तो मैंने भी यहाँ पे एक एलसीएम में एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, मैं आपको बताऊंगा। ये 2 से कट जाएगा 7 बार, 7 से कट गया 7, तो ये मेरे पास कितना बचा 2, उसके बाद 9/4 और उस माइनस के 2/8। अब एलसीएम आपको लेना है तो एलसीएम कितना आएगा, टोटल आएगा 8, फिर 8 से करेंगे 8×2=16, फिर यहाँ पे क्या आना था प्लस, और मैं गलती से क्या लिख रहा था, यहाँ पे माइनस लिख रहा था, तो ये गलती जो है वो मेरे से अभी हुई थी जब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था, तो ये गलती जो है वो कई बार हो जाती है, उस वजह से आपका क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा उस चीज़ के लिए ध्यान देना है। 18
में से दो चले जाएंगे, 16, 16 और 16 कितने आ जाएंगे, 32, 32 बटा 8, 8 चौके 32, तो राइट आंसर कितना आपके पास है, 4। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला था त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, सॉरी यहाँ पे भुजाएं नहीं होगा, तीनों कोणों का योग आएगा, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो 180। आप देख सकते हैं पिछले कल भी आपको एक एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, हो सकता है कल के आपके एग्जाम में आ जाए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो वो कितना होता है 360। यह क्वेश्चन घुमा के आपसे पूछ लिया जाता है कि जो आपके पास घर में घड़ी लगी होती है, ठीक है जी, घड़ी लगी होती है, उसका कोण कितना होता है, तो उसका भी कितना आएगा 360, क्योंकि घड़ी आपकी चाहे किसी भी शेप में हो, वो टाइम जो है वो किस में बताती है, रेक्टेंगल, इस सर्कुलर शेप में बताती है। तो उस घड़ी का हो सकता है कि एक आपके पास गोल दीवार घड़ी लगाई है, उसका टोटल एंगल पूछ लिया जाए, तो कितना आएगा 360 आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ये भी हो सकता है कल आपसे ये पूछ लिया जाए कि जब 9 बजते हैं, जब 9 बजते हैं तो उस समय कितने का एंगल जो है ये बनता है, तो ये आपका बनेगा कितने का, 90 डिग्री का, ये भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। ध्यान दें मेरिट काफ़ी ज़्यादा हाई जाने वाली है, आज की शिफ्ट के जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे हूबहू कल भी आपसे यही क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन, बिल्कुल पहले ही टाइप का आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। इसमें बोला था कि पिता और पुत्र दोनों मिलकर जो है वो 8 दिन में करते हैं, यानी कि राम और श्याम आप मान के चल सकते हैं, एक आ गया फादर और एक आ गया सन, कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में, और पिता अकेला जो है वो यानी कि फादर अकेले कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। एलसीएम लेना था, कितना आ जाएगा 24, 8 थे 24 और 12 दूने 24। अब देखिए फादर और सन कितना काम कर रहे हैं, 3, जिसमें से फादर अकेला कितना करता है, 2, यानी कि इस फादर की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई है, तो यहाँ पर मैं इस फादर की वैल्यू कितनी भर दूंगा, 2, तो सन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 - 2 = 1, यानी कि सन कितना काम करता है, 1 काम करता है। अब टोटल काम है कितना, 24, उसको सन करेगा, डिवाइड बाय 1 कर देंगे, तो ये कितना आ गया, 24 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो वर्क एंड टाइम भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एलसीएम का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए घुमाया गया था। ये आप ध्यान दें कि 15 में से 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे मैथ के जो कि थोड़े से आपको हल्का सा आपके दिमाग के ऊपर जोर लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर एलसीएम का क्वेश्चन आपके लिए इसी वे में आता है कि आपके पास आ गया 11, 12 और 18 का एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया था। बोला गया था पहली 3 अभाज्य संख्याएँ, अभाज्य संख्याओं का मतलब होता है प्राइम नंबर जो अपने ही पहाड़े में जाती हैं, तो 1 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, पहली अभाज्य संख्या 2, 2 के बाद 3, फिर आएगा 5, फिर आता 7, उसके बाद ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं 9 लिख लेते हैं, तो 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं, क्यों, क्योंकि ये 3 के पहाड़े में आती है। अभाज्य संख्याएं हमारी सिर्फ जो है वो विषम संख्याएं ही होती हैं, 9 के बाद हमारे पास आएगा 11, फिर आएगा 13, उसके बाद आएगा 17, फिर 19, ऐसे ये चलेगी। अब सिर्फ 3 संख्याओं की बात बोली गई थी, तो हमारे पास इनडायरेक्ट वे में किस संख्याओं का एलसीएम निकालना था, 2, 3 और 5 का। पहले 2 से करेंगे 1, फिर 3 और 5 एज इट इज, फिर 3 से करेंगे 1, 1 और फिर 5, फिर 5 से करेंगे तो लास्ट में आएगा 1, 5 = 15, 15 * 2 = 30। तो कुछ इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो थोड़ा सा आप पढ़ के जाएं, नेचुरल नंबर क्या है, अभाज्य संख्याएं, प्राइम संख्या सॉरी अभाज्य संख्याएं क्या है, फिर आपके पास सम संख्याएं, विषम संख्याएं, ये थोड़ा सा आप इसका नॉलेज जो है वो जरूर लेके जाएं। अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 0.5 यानी कि 5/10 का 7 - 3 - 3 + 8 = 5, और ये चीज़ थी आपके ब्रैकेट में। अब ये 5 * 3 = कितना हो जाएगा आपका, ये 5 = 35.0, ये 10 का लग जाएगा पॉइंट प्लस के 3 और माइनस के 5 और 3 = 8, ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, 3 और 3 = 6.5 - 8, 8 में से 6.5 चले गए तो 1.5 बचा, लेकिन किसका, माइनस का। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी आपसे जो है वो पूछा गया था। अगला फिर से आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट में आपसे जो है वो एसआई का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फर्स्ट में भी आपसे पूछा गया था, 9000 आपके पास दिया गया था क्या वैल्यू, प्रिंसिपल 5% दर थी, 3 साल आपके पास टाइम था और डिवाइड करेंगे 100 से,
दो जीरो से दो जीरो, पाँच तीन पंद्रह, पंद्रह नाए 135 है, और एक जीरो और बच जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। तो एसआई के भी अभी तक हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए। पिछले कल की शिफ्ट में भी आपसे यही इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद 52 का स्क्वायर माइनस 51 का स्क्वायर, कुछ इस तरीके का कोई एक क्वेश्चन था, मेरे को अभी पूरा याद तो नहीं है। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे देखने को क्या मिलेगी कि हूबहू सिर्फ वैल्यू में चेंज आ रहा है, बाकी सेम टू सेम फिनोमिना आपसे क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दें, कॉपी पेन आप ज़रूर यहाँ पे रखें, साथ साथ में सॉल्व करें। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि जो आज की शिफ्ट में हम ये 50 क्वेश्चन जो हम यहाँ पर करने वाले हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के हमारे ये टोटल क्वेश्चन रहेंगे, तो उसमें से जो आपके लगभग 30-35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको कल वाली शिफ्ट, जो तीनों शिफ्टें हैं उसमें आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। सिर्फ क्या होगा, आपका मेथड में हल्का सा कोई चेंज हो सकता है, वैल्यू में चेंज हो सकता है, लेकिन फिनोमिना आपको वही यूज़ करना है। वैल्यू चेंज होगी, हो सकता है यहाँ पे अगले कल की यहाँ पर जो हो जाए वो प्लस हो जाए, हो सकता है। तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना प्लस के केस में, क्योंकि प्लस का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है आर्मी के लिए। तो यहाँ पर हम वैल्यू का यूज़ करेंगे, 705 का स्क्वायर करेंगे, 705 स्क्वायर माइनस 703 का स्क्वायर। ये 17 अप्रैल की शिफ्ट में पूछा गया था, 18 अप्रैल की तीनों शिफ्टों में पूछा गया था, और आज फिर से 19 अप्रैल की भी शिफ्ट में आपसे ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया, जिसमें आपका फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपके पास क्या लगेगा इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला आपका लगेगा। तो हूबहू आपसे सेम टू सेम क्वेश्चन जो है वो बार बार आपसे क्या हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना, 705 और 703, 5, 6, 7, 8, 7 और 7 कितने बन गए 14, और मल्टीप्लाई करना 705 में से 3 चले गए तो बचे कितने 2, गुणा कर देंगे 8 × 2 = 16 और 14 × 2 कितने 28, 28 × 16 ये इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। तो बिल्कुल डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दें। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, एनालॉजी आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। 7 को बोला था 336 है, और यहाँ पर आपसे क्या बोला था 11 की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर बतानी थी। ये जो है वो आपको यहाँ पर वैल्यू बतानी थी, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो थोड़ा सा आप इसका आंसर आप मेरे साथ यहाँ पर शेयर करें, क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो सकता है, आंसर एक बार शेयर करें आप जरूर यहाँ पर। एनालॉजी का आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये रीजनिंग के सेक्शन का था। तो आपको क्या करना होता है, रिलेशन लगाना होता है। इस 7 को 336 कैसे लिख सकता हूँ, तो ध्यान देना आपको 7 का क्यूब जो है वो कितना होता है 343 होता है, ठीक है, 336 के आसपास है। अब इस 343 में से आपको क्या करना है, 7 कम कर देना, तो कितना बन जाएगा 336 बन जाएगा। वैसे ही अगली संख्या थी 11, तो मैं क्या करूंगा 11 का क्यूब करूंगा, 11 का क्यूब कितना होता है 13, 31, इसमें से वही सेम वैल्यू माइनस करनी है, इसमें से 7 कम कर रहे थे, अब इसमें से कितना कम करेंगे वही सेम वैल्यू 11 कम कर देंगे, तो 13, 20 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो ये रीजनिंग का फिर से एक एनालॉजी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, तो ध्यान देना आपको उसका, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास एवरेज का एक बार फिर से पूछ लिया गया है, रीना टीना उसकी माता और उसके पिता, ध्यान दें ये आगी रीना, ये आगी टीना, ये उसके मम्मी और ये उसके पापा, इन सब की औसत आयु कितनी बताइए 35। अब अगर मेरे को इसका सम निकालना है तो टोटल कितने पर्सन है, एक रीना टीना उसके मम्मी और उसके पापा, टोटल हो गए 4 पर्सन। तो यानी कि रीना टीना उसके मम्मी और उसके पापा के अगर मैं सम निकालूंगा तो मल्टीप्लाई किससे करूंगा 4 से, क्योंकि 4 बंदे हैं, 35 × 70 और 70 × 140, 140 आ गया सम। अब बोला था माता और पिता की औसत आयु कितनी है 40 है, अब ये बोला गया कि मम्मी
और उसके पापा की औसत आयु कितनी है, 40 है। अगर मेरे को इसका क्या निकालना है, सम निकालना है, तो मैं गुणा किससे करूंगा, मम्मी और पापा दो दो पर्सन है, इसलिए दो से गुणा करके इसका सम कितना आ गया, 80। अब चार बंदों की औसत, चार बंदों की आयु मेरे को पता चल गई 140, और उसके मम्मी और पापा की चल गई 80। तो जब मैं इस रीना टीना, उसके मम्मी और उसके पापा की आयु में से अगर मम्मी पापा वाली आयु को भर दूंगा, इन चारों की आयु कितनी 140 है, उसमें से मम्मी और पापा की कम कर दी, 80 कम कर दी, तो बची कितनी 60, यानी कि ये रीना और टीना की आयु होगी, रीना और टीना की। अब हमें बोला कि उसकी औसत बतानी है, तो औसत के लिए जितने पर्सन है उसका हम सम कर देते हैं, रीना और टीना दो पर्सन है इसलिए दो से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आ गया 30। तो एवरेज का चैप्टर आप जरूर यहाँ पर कवर करके जाएं, क्योंकि 17, 18, 19 आज 3 दिनों में आपकी 9 शिफ्टों में एग्जाम कंडक्ट हुआ है, तो 9 की 9 शिफ्टों में कहीं ना कहीं आपको एवरेज के 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिले हैं। तो ये हमारा 3रा क्वेश्चन था जो कि शिफ्ट 2nd में हमसे पूछा गया था। रेशियो का अगला क्वेश्चन था आपके पास, 3 और 4 का अनुपात है, तो एज की तरह आपका क्वेश्चन था, 25 कम करने पर। ये आपसे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राम और श्याम की आयु का अनुपात 3 और 4 है, 25 वर्ष या 25 वर्ष पहले उनका अनुपात कितना था, 2 और 3 था, तो इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन इसमें डायरेक्ट दिया था 25 घटाने पर, तो मैं दोनों से 25-25 कम कर दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा कि अनुपात कितना हो गया, 2-3। इस अनुपात का मतलब होता है बटा, इस 2:3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 भी लिख सकता हूँ, ये आपको ध्यान देना है। मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 इस तरफ चला जाएगा और ये सारी वैल्यू इस तरफ चला जाएगी, तो 3 × 3 कितना आएगा, 9x, 25 × 3 = 75, फिर 4 को 2 से गुणा किया ये बना 8x, 25 को 2 से किया तो बना 50। अब 8 इस तरफ आ गया, 9x माइनस के 8x, और ये बचा माइनस के 50 और प्लस के 75, तो 1x की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई, ठीक है जी। अब आपको बोला था बड़ी संख्या क्या, तो रेशो आप देखें 3 और 4 में से बड़ा अंक कौन सा, तो वो है आपके पास 4, यानी कि इस 25 को 4 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो आपको इस 3 और 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 25 से, तो 1 आएगी 25 × 75 और दूसरी आएगी 25 × 4 = 100, बड़ी संख्या पूछी थी, तो राइट आंसर क्या है, 100 है। तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आया था कि 15 किलो टमाटर का मूल्य 382.50 है। आपको ध्यान देना कि जब भी आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आता तो वो चाहे पॉइंट में दिया हो लेकिन 101% कटने वाला आपका वो क्वेश्चन होता है, तो उसकी वैल्यू हर बार क्या होती है, कटती ही कटती है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आप डेली लाइफ में भी आप इस तरीके का क्वेश्चन आप फॉलो करते हैं, जैसे 15 किलो आपने टमाटर ले दिए, कितने रुपए के आए, 382.50 के आए। अब आपको बोला है कि अगर 8 किलो लेने हो तो मूल्य कितना आएगा, तो 1 किलो की वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1 किलो की वैल्यू कितनी आएगी, 382.50/15, तो 1 किलो की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, 1 किलो की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 25.5, ये वैल्यू आ जाएगी। और अब आपको बोला क्या है, आपको 8 की वैल्यू बतानी है, तो 1 किलो की वैल्यू कितनी है, 25 रुपये, 25.5 रुपये, तो 8 की कितनी हो जाएगी, गुणा 8 कर देंगे, तो यानी कि गुणा करने पे कितना आएगा, 204 रुपये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो इस तरीके का आपका क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न क्या था, अगला था 44, 36, 104 और 96 का औसत आप बताएं। तो देख सकते हैं एवरेज का 4था क्वेश्चन आपसे एक बार फिर से पूछ लिया गया। एवरेज कैसे निकालते हैं, सम करते हैं सबको, 44, 36, 104 और 96 सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर से, तो टोटल कितने हैं, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दिया, सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 44 और 36 80, फिर 104 और 96 टोटल बनेगा 280। 280 को डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से, 4 से 28 + 7 = 0 = 70, यानी कि औसत कितना आ गया, 70 आ गया। तो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए थे मैथ और रीजनिंग के। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन था ये, सॉरी, एक खिलाड़ी उसकी पारियों के रनों का औसत, फिर से ये हमारा 5वां क्वेश्चन है आज के इसमें औसत का, ये
और यहाँ पर रन आपको बताए गए थे, कितने रन थे? 44, फिर 108, फिर है 72 और उसके आधा है 36। इनका औसत बताना था, तो सबको ऐड करेंगे डिवाइड बाय टोटल पारियां या टोटल नंबर। तो चार पारियां थी तो चार से डिवाइड कर देंगे, सबको ऐड किया कितना आएगा? 260 आएगा। डिवाइड कर देंगे किससे? चार से। कटिंग करने पे कितना जाएगा? 65 जो है वो हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो एवरेज का चैप्टर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, बार बार आपके हर किसी शिफ्ट में बार बार आपसे एवरेज का चैप्टर जो है वो आपसे क्या हो रहा है, पूछा जा रहा है। उसके बाद अंतिम प्रश्न है आज की इस क्लास का, आपको बोला था इसको भिन्न में आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पर 6/15 और आगे दिया गया था प्रतिशत, इसको किस में चेंज करना है? भिन्न में, यानी कि फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है। तो आपको ध्यान में देना है कि ऑप्शन किस में दिए गए हैं। अगर ऑप्शन प्रतिशत में ही है तो प्रतिशत को नहीं हटाना आपने। तो ये 3 से कट जाएगा 2 बार, ये 3 से कट जाएगा 5 बार, तो राइट आंसर आएगा 2/5%। अगर ऑप्शन में परसेंटेज नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, इस चीज को भी ओपन कर देना। परसेंटेज को आप कैसे ओपन करेंगे? 6/15। अब प्रतिशत दिया गया, प्रतिशत हटाना है, तो इसका मतलब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? गुणा 1/100। अगर प्रतिशत में निकालना होता तो गुणा 100 करते, यहाँ पर प्रतिशत दिया है तो 100 किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। 2 से कट जाएगा, ये कितनी बार हमारा, 3 बार, सॉरी पीछे मैंने शायद आपको कटिंग में कुछ मिस्टेक हो गई थी। हाँ, ये 3 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा, 3 से 5 बार कटेगा। तो ये फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार, 50 बार। मेरे पास कितना आ गया, 1/5, 25, 250, 1/250। तो फ्रैक्शन कितनी आ गई, 1/250। तो ये इस क्वेश्चन का क्या था, राइट आंसर आपके पास यहाँ पर रहेगा। तो ये जो हैं वो अभी तक हमने मैथ और रीजनिंग के जो जो क्वेश्चन हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा हमें बताए गए थे, हमारे साथ उन्होंने शेयर किए थे अपने एक्सपीरियंस, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी है। जिस तरीके की आपको तैयारी करवाई गई थी उसी तरीके से जो है वो आपके एग्ज़ाम में आपके बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट का अभी एग्ज़ाम हो चुका है तो वो आप देख सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। दूसरों को भी आप मोटिवेट करें कि ये सब्जेक्ट जो है वो आपको, ये टॉपिक उस सब्जेक्ट का आप कवर करके जाएं। और जिसका एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है तो एक बार उसके लिए क्लास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने फ्रेंड्स में एक बार वीडियो को शेयर आप ज़रूर कर दें। जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप के ऊपर जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें आप एक बार वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि मैं बार बार आपके लिए सिर्फ यही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि जो भी हमारे 17-18 की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे वही सेम टू सेम, सिर्फ वैल्यू में चेंज है, वही क्वेश्चन आपका आज की शिफ्ट में भी फिर से आपका पूछा गया। एवरेज के चैप्टर को आप बिल्कुल ना छोड़ें, बार बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। अभी थोड़े ही टाइम में आपको जो है वो जीके और साइंस का भी एक कंप्लीट एनालिसिस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। जीके एंड साइंस की आपके लिए एक सेपरेट क्लास जो है वो अभी थोड़ी ही देर में आपको देखने को मिलेगी। सो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आर्मी अग्निवीर के आपको जो भी आपके डिफरेंट टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग वो आपको देखने को मिलेंगे। जल्दी ही हमारा हिमाचल का भी बैच स्टार्ट होने वाला है, हिमाचल जीके की क्लासेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे डिफरेंट एग्ज़ाम के लिए। HRTC कंडक्टर का हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं एक बार आपको बता दूँ किस तरीके से आपको ज्वाइन करना है। आपको प्ले स्टोर में जाना है और विजयपथ एजुकेशन ऐप आपको डाउनलोड करना है। विजयपथ एजुकेशन आप ऐप आप डाउनलोड करें, लोगो जो है वो आपको देखने को वहां पर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे ही आपके पास लोगो आएगा, तिरंगे की तरह जो है वो हमारा लोगो वहां पर रखा गया है। और जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे उसको आप ओपन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जैसे ही आपकी रजिस्ट्रेशन वहां पर होगी, रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आपका ईमेल, आपका मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, आप अपना एक पासवर्ड वहां पर सेट कर सकते हैं, ऐप में आप रजिस्टर्ड होंगे, ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद आपके पास मेन जो आपके टाइटल रहते हैं, पहले नंबर पे आपके पास आएगा टेस्ट सीरीज़,
दूसरे नंबर पे आपके पास आएगा कोर्स, और कोर्स आएगा और तीसरे नंबर पे हमारे पास आया जाएगा करंट अफेयर। ये तीन अभी तक मैं मेन टाइटल आपके लेके आया हूँ। टेस्ट सीरीज में आप जाएंगे तो आर्मी और अग्निवीर की टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं, जिसका प्राइस हमने 39 रुपीज़ जो है वो आपके लिए रखा है। कूपन कोड अगर आपको चाहिए, प्राइस वैसे 259 है, कूपन कोड की हेल्प से आप उसको 39 रुपीज़ में परचेज कर सकते हैं। और वही अगर आप एक वहाँ पर फ्री मॉक भी आपके लिए दिया गया है, अगर आप उस चीज़ को देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पे लगेगा कि जो 17, 18, 19 के एग्जाम हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पे वो टेस्ट सीरीज आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन आपसे वहाँ पर पूछे गए हैं। कोर्स में अगर आप जाएंगे तो हिमाचल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई भाई बहन अगर तैयारी कर रहा है, तो आप ऑनलाइन कोर्स भी हमारा परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको पटवारी, हिमाचल पुलिस, पंचायत सेक्रेटरी, फिर BSF, JBT कमीशन, फिर आपके पास बेसिक फाउंडेशन का कोर्स, आर्मी का है, SSB का है, ये डिफरेंट कोर्स हमारे वहाँ पर लाइव चले हैं, तो उसको आप परचेज कर सकते हैं। और साथ में करंट अफेयर हिंदी या इंग्लिश का भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी जो है वो आपके लिए हम यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं। किसी भी जानकारी के लिए आप इस दिए गए नंबर के ऊपर आप ले सकते हैं, और एक बार www.vijaypatheducation.com के ऊपर आप विजिट करें। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज कोर्स जो है वो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। जल्दी ही आपके साथ एक नई क्लास भी अब जुड़ने वाली है हिमाचल GK की, तो उसमें भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं डिफरेंट एग्जाम के लिए। HRTC कंडक्टर का भी बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड से आप उसको परचेज कर सकते हैं। तो अभी कुछ ही टाइम में आपको 19 अप्रैल 2023 में आर्मी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे GK एंड साइंस के, वही आपसे पूछ लिए जाएंगे। आपके साथ कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। तो जल्दी ही आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।